लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का क्या करेगा? आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का क्या करेगा? ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का, कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए। और चर्चा तो बाजार में भी चल रहा है, आप मुख्यमंत्री जी एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है, अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया। अब देख लीजिए, लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है हा? आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है। खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। नौकरियां तो निकल ही रही है, और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन, विजेंदर जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व।